हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की टाइपिंग स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आरोपीगढ़ पर दिनांक 17/5/2014 को रात के करीब 2 बजे सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व ग्राम हरदौठ में फरियादी श्रीमती सरोज अहरवार के मकान में, जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, कौमा में फरियादी को अपहृतिकारित करने या कारावास से दंडनीय अन्य कोई अपराध करने के आशय से प्रवेश करके रात्रि प्रच्छन्न अतिचार कौमा आरोपी जगदीश के द्वारा स्वयं तथा सह अभियुक्त बिज्जू उर्फ विजय के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी श्रीमती सरोज अहरवार को अग्नि से, जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक है, कौमा से फरियादी के बालों को जलाकर तथा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छा साधारण अपहति कारित करने तथा दोनों आरोपी गण के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करने, अतः धारा 457 कौमा 324 कौमा 324/34, 323, 323/34, 506 2 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के आरोप हैं। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17/5/2014 को रात्रि के करीब 11 बजे ग्राम हरदौठ में फरियादी, जिसका पूर्व में अपने देवर बिज्जू और जगदीश से हुआ था, जिसमें मारपीट का केस फरियादी और उसके देवर के ऊपर बना था, कौमा उसी बुराई से घटना के समय जब फरियादी अपने घर के आंगन में बैठी अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी, कौमा तभी बिज्जू और उसका लड़का जगदीश आए, कौमा बिज्जू ने फरियादी के दोनों हाथ पकड़ लिए और जगदीश ने फरियादी की पीठ में घूंसे मारे, कौमा और जगदीश ने जेब से माचिस निकालकर
फरियादी के बाल जला दिए कोमा, जब फरियादी चिल्लाई तो दोनों आरोपी गढ़ मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। फुल स्टॉप। फरियादी ने आरोपी गढ़ के विरुद्ध थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। फुल स्टॉप। विवेचना अधिकारी ने उक्त मामले की विवेचना एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। फुल स्टॉप। पैरालिंगे। प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी सरोज अहरवाल की मृत्यु दिनांक 24/5/2017 को होने से उसके पति गणेश अहरवाल ने मृतक की ओर से आरोपीगढ़ से राजीनामा करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कोमा, जिसको आंशिक रूप से स्वीकार कर आरोपीगढ़ को भारतीय दंड विधान की धारा 323 कोमा 323/34 कोमा 506(2) के आरोप से दोष मुक्त किया गया। फुल स्टॉप। अतः यह निर्णय शेष आरोप धारा 457(324)/324/34 भारतीय दंड विधान में घोषित किया जा रहा है। फुल स्टॉप। आरोपीगढ़ ने इस निर्णय के चरण क्रमांक 1 में वर्णित आरोप को अस्वीकार किया है। फुल स्टॉप। आरोपीगढ़ के विरुद्ध धारा 457(324)/324/34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध की कोई परिस्थितियां न होने से उसका परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं किया गया। फुल स्टॉप। आरोपी ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दी है। फुल स्टॉप। पैरालिंगिक। अभियोजन के प्रमाण पर निर्णार्थ प्रश्न इस प्रकार है कि क्या घटना दिनांक 17/5/2014 को रात के करीब 2 बजे आरोपीगढ़ ने फरियादी श्रीमती सरोज अहरवार के मकान में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व ग्राम हरदौठ में फरियादी श्रीमती सरोज अहरवार के मकान में, जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है। फुल स्टॉप। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।